आदरणीय सभापति जी, पिछले 10 वर्ष नीतियों निर्माण के आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो आदरणीय सभापति जी, टेक योर सीट। नीतियों निर्माण कंडक्ट डजंट सूट योर पोजीशन। नए भारत की नई दिशा दिखाने के लिए प्लीज टेक योर सीट। जो दिशा हमने पकड़ी, जो निर्माण कार्य हमने लिए हैं, बीते एक दशक में हमारा पूरा फोकस बेसिक सुविधाएं जरूर मिले उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहा है। आदरणीय सभापति जी, हर परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे, उसके जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़े, अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम कैसे सुधार लाए। हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति पूरा सामर्थ्य ईज ऑफ लिविंग से एक कदम आगे बढ़ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उसके लिए जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष न्यू मिडिल क्लास जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं, ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विस्तार पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं। और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत बनाने और ताकत देने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ढिकना करिए, फलाना करिए, कहना क्यों, कहीं दोबारा वहाँ मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज़्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपकने जाए, और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। ये समय हमने गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूबने जाए। हम 5 लाख रुपये आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है, परिवार में एक बीमारी आ जाए ना, मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है। और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है, उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जी करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है, और इसलिए हमारी यह योजना जारी रहेगी। आदरणीय सभापति जी, देश जानता है आदरणीय सभापति जी, और इसीलिए मैंने गारंटी दी है। मेरी गारंटी है गरीबों के 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति जी, मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जुड़ जाए। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अभियान है, अगर परिवार बड़ा होता है, नया परिवार बनता है, पक्के घर देने का मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा। नल से जल योजना मेरा पक्का इरादा है और मेरा पक्की गारंटी है कि नल से जल, हम नए शौचालय बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेरा पक्की गारंटी है, हम जारी रखेंगे।
ये काम सारे तेजी से चलेंगे, क्योंकि विकास का जो रास्ता, विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है, इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते हैं।